वहाँ पर पैसे देके जाता है एक यात्री, श्रीनगर यात्री से ही चलता है कुछ, मतलब उसकी रोजी रोटी यात्री से चलती है। हर यात्रा इसी दिन वो निकल गया, खाएंगे क्या उसके बच्चे थे? और अगर सेना नहीं होती ना उस टाइम तो मतलब कश्मीर वाले वो फिर यात्रियों गाड़ियों पत्थर मारते, अगर यात्रियों गाड़ी को पत्थर लगेगा तो यात्री क्यों आएगा अगले साल? एक के चोट लगी तो उसका रिश्तेदार भी नहीं आएगा, कोई जान पहचान वाला भी नहीं आएगा। जम्मू से भी यात्रा वापस, हाँ जम्मू से काफी यात्रा जम्मू से वापस हुई। यात्रियों की गाड़ियों के साथ अगर इस प्रकार की वारदात होती ही यात्री सबसे पहले ये कहे बाहर मत जाना, नहीं आएंगे वो नुकसान। अभी भी डरते हैं वो, ये नुकसान यात्रियों का नहीं, आपके कश्मीरी लोगों का नुकसान जाता है। यात्रियों क्या उसको तो घूमना फिरना है, वो दूसरी जगह चला जाएगा, छुट्टियाँ बितानी है दूसरी जगह, चला तो जाना है वो जाना ही है। ये शॉर्टकट रास्ता, ये ना वो शॉर्टकट, डारे वाली गाड़ी गिरी थी यहाँ पहाड़ों में किसी रास्ते पर, तो कानपुर से जगह गिरी थी, मैं पता इसमें 17-18 यात्री मारे गए थे। वो डिंडोल में जो वापसी में, हाँ वापसी में मतलब 17-18 उसके बाद वही कारीगर काम करने वाले से मारे गए थे। ना इतनी मार सब कट गई, हाँ इसके आस पास ही है मुझे, हाँ 5-10 किलोमीटर आई, हाँ वो बताना कौन सी जगह, वो मोटर से उसका घुसते उसके बीच में जनरेटर था, जनरेटर की वजह से बहुत भर गए। असली वजह जनरेटर की उसकी वो नहीं थी, वो मतलब खुद उनके पाँव टेक मंगा गए थे, लापरवाह थे, शराब पी रहे थे, जब से चले थे ना वो